हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं चॉकलेट केक की रेसिपी। इसे मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनाया था। बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ही अच्छे लगते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं केक डेकोरेशन में प्रो नहीं हूँ। अगर ये केक आपको ओके ओके दिख रहा है तो वो इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास केक डेकोरेशन के कोई प्रोफेशनल टूल्स नहीं है। घर पर जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हें ही यूज़ करके इसे डेकोरेट करने की कोशिश की है। बच्चों के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहती थी मैं, इसलिए घर पर ही मैंने बनाया है और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। खाने में इस केक का टेस्ट बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं डबल बॉयलर मेथड से मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। ये मैंने 150 ग्राम चॉकलेट लिया है और इसे मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। आप यहाँ पर कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने मॉडे ब्रांड का मिल्क कंपाउंड यूज़ किया है। इस केक को मैं कढ़ाई में बेक करूँगी, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम नमक लिया है और इसे मैंने इस तरह से कढ़ाई में फैला दिया है। उसके ऊपर मैंने एक तरह का ये स्टैंड रखा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या बाउल रख सकते हैं और उसके ऊपर अपने केक को बेक कर सकते हैं। इस कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए छोड़ रही हूँ। तब तक हम अपना केक बैटर रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बाउल में जो मैंने चॉकलेट मेल्ट किया है उसे मैं 1/4 कप ले रही हूँ। इस चॉकलेट में मैं ऐड करूँगी 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। इसे आप स्किप मत करें, इससे केक बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो घर में रिफाइंड ऑयल होता है वही यूज़ किया है। इसे मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी कम से कम 2-3 मिनट तक, ताकि ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं और स्मूथ हो जाएं, इनमें कोई भी लंप नहीं रहे। अभी आप देखिए कि मेरा मिक्सचर थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि कंडेंस मिल्क थोड़ा सा ठंडा था। आप जब भी बेकिंग करें सारे प्रोडक्ट्स को रूम टेम्परेचर पर रखें। बट कोई नहीं, इसमें अभी हम थोड़ा सा वार्म मिल्क ऐड करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी इसे मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से विस्क करूँगी। अब इन वेट इंग्रेडिएंट्स में हम अपने पाउडर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर पाउडर शुगर ले रही हूँ, ये मैंने 1/4 कप लिया है। 3/4 कप मैदा है। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पर कोको पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने कैडबरीज का यूज़ किया है, आप चाहें तो विकफील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को छन्नी में से छान लूँगी। अब इन्हें हल्के हाथों से मैं मिक्स करूंगी। अभी आप देखिए कि ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि इसमें वेट इंग्रेडिएंट कम है। अभी इसमें हमें मिल्क ऐड करना है, तो मिल्क को मैं थोड़ा सा वार्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया कंडेंस्ड मिल्क मेरा थोड़ा सा ठंडा था। अगर आपका रूम टेम्परेचर पर हो तो आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप मिल्क ऐड किया है। मिल्क की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। आपको बेसिकली इस बैटर को थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में रखना है। आप उतना मिल्क ऐड कर सकते हैं ताकि ये बैटर अच्छे से मिक्स हो सके।
और इसमें कोई भी लंप नहीं रहे। अब इस मिक्सचर में मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून यूज़ किया है और 1 टीस्पून मैंने वेनेगर ऐड किया है। वेनेगर या आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो। और इसके बाद इसे हमें एक क्विक मिक्स देना है और जल्दी से इसे अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। इस केक टिन को मैंने बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। इससे हमारा केक जो है इजीली निकल आएगा बेक होने के बाद और चिपकेगा नहीं। अब मैं इसे 2-3 बार टैप कर दूंगी ताकि कोई एक्स्ट्रा एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। इसे अब मैं जल्दी से अपनी कढ़ाई में रख दूंगी बेक होने के लिए। यू कैन सी कि हमारी कढ़ाई बहुत ही तेज़ गर्म है। बहुत ही केयरफुली आप यहाँ पर अपने केक को रख दें और इसे कवर कर दें। इसे शुरू में 5 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर ही बेक किया है और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं इसे बेक होने में। 25 मिनट के बाद आप बहुत केयरफुली इसे वॉच करें। आपका केक ओवर बेक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा। अब 25 मिनट तकरीबन हो गए हैं और केक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें मैं टूथपिक डालकर चेक कर लूँगी। यू कैन सी कि ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, दैट मीन्स कि केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। इसे मैं अलग अलग जगह से टूथपिक डालकर चेक करूँगी ताकि कहीं से भी ये कच्चा नहीं रह जाए। तो अब मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल लिया है। इसे मैं कपड़े से ढककर इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आप इसे ढककर ही छोड़ें, नहीं तो अपर लेयर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है केक की। 15-20 मिनट के बाद मैंने केक को निकाल लिया है। यू कैन सी कि बहुत ही इजीली ये केक टिन में से निकल आया है और केक हमारा दिख रहा है बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अभी भी ये बहुत गर्म है तो इसे मैं ग्रिल रैक पर रख दूंगी ठंडा होने के लिए और फिर से इसे कवर कर दूंगी। इसे कम से कम 1 घंटा लगेगा पूरी तरह से ठंडा होने में। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी। उससे क्या होगा कि आइसिंग के समय केक जो है काफ़ी फर्म होगा और वो टूटेगा नहीं और उसके ब्रेड क्रम्स भी कम निकलेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं और चॉकलेट गनाश बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। आप अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये 200 ग्राम क्रीम है और ये डार्क चॉकलेट लिया है मैंने, ये भी 200 ग्राम है। ये भी मैंने मॉडे ब्रांड का ही यूज़ किया है। इसे मैंने थोड़ा पीसीज में कट कर लिया है, इससे इसे मेल्ट होने में काफ़ी आसानी होगी। और इस क्रीम को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। इसे बिल्कुल हिलाते हुए ही गरम करना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे थोड़ा सा गरम करूंगी जब तक कि इसके कॉर्नर्स में थोड़े से बबल्स नहीं दिख जाएं। और उसके बाद इसे फ्लेम से हटाकर मैंने इसमें चॉकलेट ऐड कर दिया है। ये क्रीम जो हमने गरम की है उसकी गर्मी से ही मेल्ट हो जाएगा। इसे हम 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट बाद देखिए, आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। चॉकलेट हमारी पूरी मेल्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही है तो आप डबल बॉयलर मेथड से एक बार इसे फिर से गर्म कर सकते हैं तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा और एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे गनाश में एक बहुत अच्छा शाइन आएगा और ये बिल्कुल मिरर की तरह इसका इफेक्ट दिखेगा। आप देखिएगा आगे केक पर जब मैं इसे डालूंगी तो। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास घर पर केक टर्न टेबल तो नहीं है तो मैंने किया एक देसी जुगाड़। एक प्लास्टिक के डिब्बे में जिसमें कि थोड़ा सा हैवी वेट है उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखा और मैंने ये बना लिया एक जुगाड़ से टर्न टेबल।
क्योंकि आपको केक डेकोरेशन के समय थोड़ा सा केक हाइट पर चाहिए और थोड़ा सा मूविंग हो तो इजी रहता है केक को डेकोरेट करना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये केक मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। इसे मैं बीच में से हाफ कट करूँगी। अब बीच में से कट करने के लिए भी जो ब्रेड नाइफ होता है, केक कटर है, वो सब भी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे थ्रेड से कट कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड है और इतना अच्छा आपका केक कट होता है कि बिल्कुल नाइफ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसके सेंटर्स को देख लीजिए चारों तरफ से और उसके बाद इस धागे को खींच दीजिए, तो ये बिल्कुल सेंटर में से इजीली कट हो जाएगा। आप देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ, बट यहाँ पर मुझसे एक गड़बड़ हो गई क्योंकि मैं शूट भी कर रही थी, तो मेरा ध्यान कैमरा की तरफ था कि फोकस में है या नहीं है, तो मैंने यहाँ से गड़बड़ से काट कट कर दिया है। आप ये गलती मत करना, बहुत ही ध्यान से ये स्टेप फॉलो करना। बट कोई नहीं, इसको मैंने बाद में आइसिंग के वक्त फिक्स कर दिया था। जब मैंने इस पे चॉकलेट गनाश डाला और उसके बाद डेकोरेट किया तो ज़्यादा पता भी नहीं दिख रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है केक को। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा तो आप देखिए कि बाकी बिल्कुल स्मूथ कट हुआ है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है ये केक। तो अब मैं इसमें शुगर सिरप ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ और उसमें सेम क्वांटिटी में पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर 2 चम्मच चीनी लेते हैं तो 3-4 चम्मच पानी उसमें डाल के शुगर सिरप बना लीजिए और उसे अपने केक में ऐड कीजिए। अब मैं ब्रश से इसे नीचे वाले पोर्शन पर लगा रही हूँ। इसे अच्छे से अपने केक को मॉइस्ट करूँगी। और अब इसके बाद अपने चॉकलेट गनाश को इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। आप चाहें तो इस गनाश को थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, ये थिक हो जाएगा, और उसके बाद भी आप इसे यहाँ पर फैला सकते हैं। अभी ये रूम टेम्परेचर पर है। आप जितनी चाहे थिक लेयर लगा सकते हैं इसकी। बच्चों को तो बहुत चॉकलेट पसंद है, इसलिए मैं भी एक अच्छी थिक लेयर लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं केक का अपर पोर्शन भी इसके ऊपर रख दूंगी। इस लेयर के ऊपर भी मैं चॉकलेट सिरप लगाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर अपना गनाश ऐड करूंगी। अब इस तरीके से मैं केक के ऊपर इस गनाश को पोर कर दूंगी। क्योंकि ये अभी रूम टेम्परेचर पर है इसलिए ये पोर हो रहा है, बट अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप इसे स्पैचुला से फैला सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बट मैं इसे एज इट इज़ रख रही हूँ। इसमें एक मिरर की तरह शाइन आएगा और बच्चों को ये बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। आप देखिए कि इसके डालते डालते ही बिल्कुल इसमें आप मुझे भी देख सकते हैं और इसमें लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसके ऊपर मैंने इनफ गनाश पोर कर दिया है। अब मैं केक को धीरे धीरे से टर्न कर रही हूँ ताकि ये गनाश नीचे तक चला जाए और अपर लेयर जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यहाँ पर आप बहुत केयरफुल रहिएगा कि कहीं केक ना गिर जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं इसे चारों तरफ से टर्न कर रही हूँ और जहाँ से हमारा केक थोड़ा सा टूट गया था वहाँ पर मैं थोड़ा और गनाश ऐड कर रही हूँ ताकि ये लेयर थोड़ी छुप जाए। और उसके बाद एक फ्लैट स्पैचुला से मैं इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर रही हूँ और एक्स्ट्रा गनाश को हटा रही हूँ। आप कोई भी स्पून या नाइफ से भी ये काम कर सकते हैं,
जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश है उसे आप हटा लीजिए और उसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर लीजिए। अब मैं इस केक के कॉर्नर्स को क्लीन कर रही हूँ टिश्यू पेपर से। इसके बाद इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि जो चॉकलेट गनाश हमने इस पे पोर किया है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट मेल्ट किया है। इसे मैंने इस तरह के पाइपिंग बैग में डाला है क्योंकि मेरे पास मार्केट से लाया हुआ पाइपिंग बैग नहीं था, इसलिए मैंने घर पर ही इस तरह के जिप लॉक बैग से इसे बना लिया है। और इसे मैं केक पर डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, बहुत ही सादे तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप अपने घर पर इस लॉकडाउन के टाइम पर जो भी बर्थडेज आ रहे हैं आप भी अपने बच्चों को खुश कर पाएँ और उनके लिए केक बनाएँ। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस केक को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ केक बेस पर। बहुत ही केयरफुली ये स्टेप करें, किसी की मदद ले लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब मैं एक बार फिर से केक के कॉर्नर्स को स्मूथ कर रही हूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे रही हूँ। जो वाइट चॉकलेट मेरे पास बच गया था उससे बच्चों ने इस तरह का बेकिंग पेपर पर जिगजैग डिज़ाइन बनाया है और उनको बहुत शौक आ रहा था कि उन्हें भी केक डेकोरेट करना है, तो इस तरीके से उन्होंने इसके केक के पीसेस को तोड़कर कॉर्नर्स में लगा दिया है। ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप किस तरीके से केक को डेकोरेट करते हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, उनको भी साथ में मिलाइए और उनके साथ ये केक बनाइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो आप कौन से और वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप केक के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए और कमेंट करता रहा कीजिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।